हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे गेट कंप्यूटर साइंस में। आज हम लोग सी में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जो बेसिकली इफ एल्स वाला, जो हम लोग इफ एल्स के द्वारा प्रोग्राम बनाते हैं उसी को कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये क्यों हम लोग इफ एल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन कंट्रोल क्यों करते हैं? डिसीजन कंट्रोल हम लोग ये करते हैं कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका पीस ऑफ कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा। जैसे किसी भी जनरली प्रोग्राम में जो मैंने पहले भी लिखाया था, तो उसमें क्या होता है कि मेन से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना प्रोग्राम, और उसके बाद जो भी लाइन आता है लाइन बाई लाइन वो एग्जीक्यूट करता जाता है कंपाइलर। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में या इफ स्टेटमेंट में अगर इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो उसके ब्लॉक का कोड चलेगा, अदरवाइज वो इसको स्किप कर देगा। तो इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, डिसीजन आपके कंट्रोल में रहेगा कि कौन सा लाइन, कौन सा प्रोग्राम का आपको लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है और कौन सा स्किप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कुछ कंडीशन हो और वो ट्रू हो तो ही ये कुछ पीस ऑफ कोड चले, अदरवाइज हम लोग उसको स्किप कर दें और आगे का कोड एग्जीक्यूट हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग इफ एल्स ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर डिफिनेशन दे सकते हैं, एग्जीक्यूट द पीस ऑफ कोड वेन एवर कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज स्किप द कोड। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप। इफ कंडीशन, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्लो डायग्राम देख लीजिए। स्टार्ट होता है यहाँ से प्रोग्राम, अगर मान लीजिए मेन है तो मेन से स्टार्ट होगा, तो फिर हम जाएंगे, फिर कंडीशन देखेंगे, कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट इसके ब्लॉक का जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बस इसका यही होता है, छोटा, ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने का है नहीं। इसमें हम लोग एक बस एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे से प्रोग्राम देख सकते हैं। इंक्लूड स्टडी डॉट एज वॉइड मैन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट रन होना। और हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है 10, और हम लोग यहाँ इफ कंडीशन आप देख सकते हैं, इफ में हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हमारा कंडीशन है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ए जो भी ए का वैल्यू है वो 20 से कम है या नहीं। यहाँ ए 10 है तो 20 से कम होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये 20 से कम नहीं होता, हम लोगों का ऐसा कोड ही है कि हम लोग यही कराना चाह रहे हैं कि अगर मेरा ए वो 20 से कम होता है तो हम ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कराएं, प्रिंट एफ प्रिंट कराएं, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो हम नहीं कराएं। तो क्या होगा यहाँ पे कि एक लेस देन है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा ये लेस देन ए इज लेस देन 20। अदरवाइज यहाँ अगर यहाँ पे हम लोग 10 की जगह पे 30 लेते हैं तो ये प्रिंट नहीं होता, इसका कोई आउटपुट ही नहीं आता। ठीक है, तो इफ का यही काम होता है। अब हम लोग आगे इफ एल्स देखेंगे। अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में बस ये हो जाएगा कि एक एल्स स्टेटमेंट भी आ जाएगा। सिर्फ इल्स स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ इल्स में कि उसमें अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें हम लोग जो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फेल होने के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, फेलियर मैसेज भी इसमें शो कराते हैं हम लोग इल्स में। तो यहाँ आप देख लें, इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स लिखेंगे, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, एल्स में इफ की तरह ऐसे कंडीशन नहीं होता, बस अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो इसका फॉल्स, मतलब इसका उल्टा हो यहाँ एल्स में होता है तो हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एल्स लिखेंगे और फेलियर मतलब ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये, अगर मान लिए यहाँ कि राम इज श्याम, यहाँ लिखेंगे राम इज श्याम, इफ राम इक्वल टू श्याम, अगर सही है तो यहाँ प्रिंट होगा राम इज श्याम, अदरवाइज राम शाम नहीं है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा राम इज नॉट इक्वल टू शाम। तो वो वही है। और बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इफ कंडीशन फेल्ड आल्सो,
मतलब फेल्ड होने के बाद भी हम लोग बता रहे हैं कि ये कंडीशन फेल्ड हुआ है या फिर ये एल्स में हम लोग फेलियर में से बताते हैं। इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। स्टार्ट होता है ट्रू होने पर ये इफ वाला चलेगा स्टेटमेंट जो इफ ब्लॉक के अंदर होगा। फॉल्स होने पे एल्स वाला चलेगा जो एल्स के ब्लॉक में होगा। एल्स में कभी भी कोई कंडीशन हम लोग ऐड नहीं करते हैं, वो इफ का जो कंडीशन होता है उसका उल्टा खुद पे खुद हो जाता है। दूसरा, इफ ब्लॉक लिखने के बाद, इफ का कोड लिखने के बाद तुरंत एल्स का कोड लिखना ज़रूरी है। बीच में अगर आप चाहेंगे कोई और कुछ भी लाइन लिख दें, कुछ भी एल्स ख़त्म होने, यहाँ इफ का जो यह ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कोई और लाइन लिख दें या प्रिंट एफ करके कुछ प्रिंट करा दें, तो एरर दे देगा क्योंकि इफ़ के तुरंत बाद एल्स का कोड होना ज़रूरी है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बेस्ट तरीका है सीखने का। तो एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, हम लोगों को इस एल्स के बारे में समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल n लिया गया है और यूज़र द्वारा इंटर किया जा रहा है यहाँ इनपुट। तो जब आउटपुट स्क्रीन ऐसा आएगा एक ब्लैक कलर का, तो वहाँ सबसे पहले पूछेगा प्रिंट, ये वाला है प्रिंट एफ जो आप देख रहे हैं, ये पूछेगा इंटर और नंबर पूछेगा। उसके बाद जब आप स्कैन एफ देख रहे हैं यहाँ पे, स्कैन एफ द्वारा हम लोग ये इनपुट कीबोर्ड के द्वारा इंटर कराते हैं, वो स्कैन एफ फंक्शन से ही होता है। तो स्कैन एफ फंक्शन एक फंक्शन है जिसके द्वारा यूज़र रन होने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन होता है वहाँ किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल का वैल्यू दे सकता है, इंटर कर सकता है, यहाँ ना करके बाद में यूज़र द्वारा। यहाँ अगर आप करते हैं यहाँ इक्वल टू 10, तो आप फिर बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं ना। और यहाँ आप कर रहे हैं तो आप एज ए प्रोग्रामर हैं, आप कर रहे हैं, बट हमको यूज़र द्वारा इनपुट लेना है। तो यूज़र द्वारा ऐसे इनपुट स्कैन एफ के द्वारा इनपुट लिया जाता है। ये एंड परसेंट जो है एड्रेस ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑपरेटर है। इसका सिंटैक्स है, ये वेरिएबल के साथ आएगा ही आएगा, बाकी ये स्पेसिफायर आप जान ही रहे हैं। तो इंटर नंबर पूछेगा, आप इंटर करते हैं मान लीजिए 6, तो 6 करने पर यहाँ इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो यहाँ 6 मॉड्यूलर, मॉड्यूलर क्या होता है कि मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कितना देगा। जैसे इसका मतलब ये है इस लाइन का कि अगर 6 हम लोगों ने इंटर किया तो 6 रिमाइंडर मॉड्यूलर 2, मतलब इसका ये है कि 6 से डिवाइड होने पर ये अगर इक्वल टू 0 रिमाइंडर देता है, 6 को 2 से भाग देने पर 6 को 2 से डिवाइड करने पर अगर मेरा 0 रिमाइंडर आता है तो ये लाइन ट्रू है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ 6 को जब हम 2 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ, 6 को 2 से भाग देने पर तो रिमाइंडर 0 आता है, तो ये लाइन चल जाएगा। तो यहाँ n है, n जितना भी देंगे तो n आ जाएगा, 6 हम लोगों ने दिया तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 इज इवन लिख देगा, 6 इज इवन, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ इंटर नंबर की जगह 7 इंटर करते हैं, हम लोगों ने 7 इंटर किया, तो 7 करने के बाद फिर ये चेक करेगा क्या 7 को 2 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर आता है, नहीं 1 रिमाइंडर आता है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा अब यहाँ एल्स में आ जाएगा और ये वाला प्रिंट कर देगा। तो लिख देगा 7 इज ऑड नंबर, ये प्रिंट कर देगा। तो बस यही यूज़ है इसके। और यहाँ एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने सिंटैक्स में बताया था
या पिछला भी प्रोग्राम देखा था आपने इफ का, तो वहाँ हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लिया था, जैसे ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों ने लिया था। अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लेते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि इफ के जस्ट बाद जो लाइन होता है बस वही उसके बॉडी में आता है, उसके एरिया में आता है। इफ के जस्ट बाद सिर्फ एक लाइन, तो इफ के जस्ट एक बात क्या है, प्रिंट एफ है, बस यही लाइन है, तो बस यही इसके बॉडी में आएगा। तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट यूज़ करें या नहीं करें वो चल जाएगा काम। अगर हमारे यहाँ इस कोड में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं इफ़ के, जैसे हमको और भी प्रिंट एफ बहुत सारे 4-5 प्रिंट एफ एग्जीक्यूट कराने होते हैं या और भी लंबे लंबे कोड होते हैं, तो हमको ब्रैकेट लेना ही पड़ता, क्योंकि सिर्फ बिना ब्रैकेट लिए एक ही कोड, मतलब उसके जस्ट बाद एक ही लाइन उसका बॉडी का होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ये बाई डिफ़ॉल्ट है ऐसा, एल्स का भी ऐसा बाई डिफ़ॉल्ट है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी सकते हैं वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इफ़ के जस्ट बाद एल्स आएगा, और अगर एक ही लाइन है इफ़ का तो उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।